हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12th मैथमेटिक्स से होंगे। और यार, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से देखिए, आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को बनाने का मतलब कि आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि यार वीडियो बना रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो प्लीज़ यार, आप वीडियो देखते कि आप छोटा सा काम कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे ताकि हम ये सोचें कि हाँ हमारी जो वीडियो का जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव जा रहा है, राइट। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, देखिए 10 तक क्वेश्चन हमने किए थे, 11 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन 3x-2y-6 = 0। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कोस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर। तो मैंने जब आपको स्ट्रेट लाइन की बेसिक वीडियो करवाई थी तो उसमें ये बताया था इंटरसेप्ट के बारे में कि इंटरसेप्ट फॉर्म है वो कितनी होती है, एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, इस फॉर्म में होते हैं ना इंटरसेप्ट। दैट मीन्स आपको कोई भी लाइन दी होगी तो उसको आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा। अब आपको ये लाइन दी हुई है तो इस 6 को आपने इधर लेकर गए और डिवाइडेड में आपने इसको एक्स के कोफिशियंट और वाई के कोफिशियंट से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया, एक्स अपॉन में 2, वाई अपॉन में 2, बीच में माइनस है तो आपको इसकी इंटरसेप्ट जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए के लिए कितनी 2 और बी के लिए कितनी जाएगी -3। समझ में आई चीज़ें, बस बहुत सिंपल है ये चीज़ें, थोड़ा थोड़ा सा आप समझिएगा और ऐसे क्वेश्चन पूछिए आपके एग्जाम में जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 12 का को, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर 3, -2 एंड रेडियस 7। देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसका सेंटर आपको 3, -2 दिया हुआ है गाइज और रेडियस 7 दी हुई है। तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है। सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, x-a² + y-b² = r² ठीक है, रेडियस का स्क्वायर होता है। यहाँ से आप पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे क्वेश्चन है जो आपको करा दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, x+3 y-2 = 49। कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा, x² + y² + 6-4y-36 = 0 इज द राइट आंसर। समझ में आई चीज़ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं तो इनको आप कवर कीजिएगा जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, dy/dx इज रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा इसमें आपको बस अपना जो माइंड है वो यूज़ करना है, बेसिक कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले किसका करना है, यहाँ पर ये देखना है, सबसे पहले इसका जो डिफरेंशिएशन है वो करना है आपको रूट का। किसका करना होगा गाइज, रूट का करते हैं तो रूट का होता है 1/2 रूट। क्या होता है गाइज, रूट का होता है 1/2 रूट। दैट मीन्स मैंने लिखा 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। फिर रूट वाले का करना होगा रूट में, दैट मीन्स साइन एक्स है तो साइन एक्स का मैंने करा कॉस, भाई एक्स के साथ रूट एक्स है। फिर उसके बाद एक्स का करना होगा तो एक्स के लिए कौन है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या आपने 1/2 रूट एक्स। कंप्लीट आपको यहां तक आ गया, कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स साइन रूट एक्स। इसमें करना क्या आपको, बस थोड़ा थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कहां कहां पर जो डिफरेंशिएशन है वो हो रहा है, बस यहां पर आप यही गलती कर पाओगे। थोड़ा सा किसी एक भी टर्म को छोड़ दिया ना तो वहीं में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली करें। क्वेश्चन नंबर 14 ने पूछा हुआ कैसे ए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी और बी ए दिया हुआ है, देन फाइंड आउट द ए इनटू में ए टी। क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है हिंदी में परिवर्त, और परिवर्त मतलब ऐसा होता है कि कोई कॉलम है वो रो में चेंज हो जाता है और रो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, वो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो मैं सेम ही आएगा, ठीक है गाइज, ये सेम ही आएगा। दैट मीन्स इसका मुझे मल्टीप्लाई इससे करना होगा, इसका मैं मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये आ जाएगा। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर करोगे
ए बी, ए बी आ जाएगा 2ab, इधर करोगे 2ab और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज का आपका ए इंटू ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का आंसर आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। मैंने आपको पहले भी कई बार करवा दी है ये चीज़ें कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/2 कितनी होती है दोस्तों, π/2। और जब π/2 कॉस के साथ आएगा, कॉस π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी दोस्तों, कॉस π/2 की वैल्यू 0। समझ में आ रही है ना चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सभी कोस्ट गार्ड के अंदर पूछे हुए। एक आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर आई कैप जे कैप 2k कैप एंड 2i कैप 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ये क्या है गाइज, परपेंडिकुलर है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा की। जब भी आपको कभी भी वेक्टर के अंदर परपेंडिकुलर की कंडीशन मिले, दैट मीन्स उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। क्या होता है गाइज, उनका डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। तो डॉट प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पर आपको आई कैप 2j कैप और 2k कैप ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम इजीली कर सकते हैं। आई का आई से मल्टीप्लाई करना होगा कितना जाएगा 2, जे का जे से करना होगा कितना जाएगा 4, माइनस का 4, 2 का इससे करना होगा 2, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना जाएगा -2 और इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2λ = 2, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1। चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन से ऐसे हैं जो कि आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो देखिए इनमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, सबसे पहले आपको ऐसा जो बेसिक क्वाड्रेंट है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हम 2π में से और पाई में से घटाते हैं तो कभी भी चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता गाइज, पाई में से और 2π में से जब हम घटाते हैं तो कोई भी चीज़ है जो चेंज नहीं होती। और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि कॉस कहाँ पर चेंज होता है, साइन कहाँ पर चेंज होता है, ये आपका क्या होता है, देखिए पूरा होता है इसके अंदर ASTC, ये आप याद रखिएगा ASTC, इसके अंदर सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसके अंदर साइन कॉस, इसके अंदर टेन कोट रहते हैं, इसके अंदर आपका कॉस सेक हो जाते हैं, ठीक है, साइन और कॉस सेक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका ये है ये पूछा जाता है, समझ में आई चीज़ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने इसको किया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π - 5π/6 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, और कॉस टू थीटा माइनस कुछ होता है, मतलब 2π - थीटा है तो वो कॉस थीटा के बराबर वैल्यू होती है, तो कितनी आ गई कॉस π/6, मतलब 5π/6, और कॉस से कॉस कैंसिल 5π/6 इज द राइट आंसर। समझ में आई चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए गाइज, लिमिट आपको 1 से √3 दी हुई है dx/(1+x²), ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट यदि हम बात करें तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स की लिमिट आपको 1 से लेकर कितनी रखनी है, √3। समझ में आ रही ना चीज़ें, 1 से लेकर √3 रखनी है। तो 1 से लेकर √3 सबसे पहले आप 10√3 रखेंगे, 10√3 ये कितना, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स √1 की वैल्यू π/3 की वैल्यू होती है भाई, ये 60 डिग्री के, ये होते हैं 45 डिग्री के, आप इसे माइनस कीजिएगा तो आपके पास राइट आंसर आएगा π/12। समझ में आई चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, हल्के में मत लेना इनको, ऐसे क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्ट्रेट लाइन के x+y+8 = 0 एंड y+3x = 5, आपको एंगल बिटवीन देम π/4 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दो स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल भी आपको इनके बीच में दिया हुआ है। तो एंगल के लिए मैंने आपको चीज़ बताई थी कि सबसे पहले आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, तो आपके पास M1 M2 स्लोप होनी चाहिए। यदि आपके पास स्लोप नहीं निकालना चाहते हैं तो A1 B2 वाला फॉर्मूला बताया था, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्लोप M1 निकाल लीजिए, स्लोप M2 निकाल लीजिए, दोनों स्लोप निकाल लीजिए। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे कितनी जाएगी, θ = tan inverse a - b है 1/ab हो जाएगा, ठीक है, 1+ab। तो यहाँ पर आप इसे कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा गाइज, और यहाँ tan थीटा इधर जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, tan π/4 कितना जाएगा 1,
ये वन आ गया आपके पास आ गया, यहाँ से आप इसे इजीली कै की वैल्यू निकाल सकते हैं, पूरा आप सॉल्व करोगे कै की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। समझ में आ रही चीज़ें? तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी एंड सी आर इन एपी, देन बी सी सी ए और ए बी किस में होंगे। एपी जीपी का कोई भी क्वेश्चन हो गाइज, ए बी सी की वैल्यू आपको यदि एपी दी हुई है तो 1, 2, 3, जीपी दी हुई है तो 2, मतलब कि 1, 2, 4, और एचपी दी हुई है तो 6, 3, 2 आपको रख लेना है, उससे पता चल जाएगा। आपने यहाँ पर 1, 2, 3 पुट किया इसमें और वही वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की। बी सी की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी जाएगी, 6। सी ए की वैल्यू कितना जाएगी आपके पास, सी ए की वैल्यू 3। तो ऐसे निकालोगे तो एचपी आपके पास आ जाएगी। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।